पानसेमल बस स्टैंड पर बने कॉम्प्लेक्स की 14 दुकानों को नगर परिषद ने सील किया है। अचानक पहुंची प्रशासनिक टीम ने दुकानों को खाली करवा कर सील किया है। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद कार्यवाही हुई है। पानसेमल नगर के मुख्य बस स्टैंड पर बनी परिषद की दुकानों पर आज प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए 14 दुकानों को सील कर अपने कब्जे में लिया है। नगर परिषद के CMO ने बताया कि आपसी विवाद और उच्च स्तर पर की गई शिकायत के बाद SDM पानसेमल के द्वारा जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर बड़वानी को भेजी गई थी, जिसके बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के द्वारा मिले निर्देश पर आज बस स्टैंड पर बनी 14 दुकानों को खाली करवा कर दुकानों को सील कर दिया गया। 19 जुलाई को रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। जानकारी के अनुसार कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों के दुकानदारों का आपसी विवाद चल रहा था, वहीं इनके द्वारा उच्च स्तर पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद SDM के द्वारा जांच की है, उसके बाद आज कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में विवादित दुकानदारों के साथ अन्य सभी दुकानों को भी खाली करवा कर सील कर दिया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। पानसेमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। सर, आज दुकानों को सील करके कार्यवाही की गई, सर 14 दुकानों का कुछ विवाद, आपसी विवाद के चलते उच्च स्तर पे शिकायत हुई थी, जिसकी शिकायत की जांच अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा की गई। उसी के तारतम्य में सीमा कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था कि आप दुकानें अपने कब्जे में लेकर 19 तारीख का जो पेशी है उसमें आप अपने रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहेंगे। क्या पूरी दुकानें सील कर दी सर? 14 दुकानें जो थी जिसमें समस्या थी उनको पूरी 14 दुकानें सील कर दी। सर, अब आगे क्या होगा? जो भी कलेक्टर साहब के जो निर्देश हो जाएंगे उसका पालन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।